सो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज अपेस की सीरीज में। बेसिक नॉलेज के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की अपडेट क्या कहती है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एचएएल के द्वारा खोली जा रही एक नई बिजनेस डिवीजन के बारे में, एचएएल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, हाल ही में एचएएल को लेकर एक न्यूज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए जल्द ही एक न्यू बिजनेस डिवीजन बनाने की योजना बनाई है, जो कि मुख्य रूप से केवल एक्सपोर्ट पर ही ध्यान फोकस करेगी, क्योंकि एचएएल कई देशों को अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स बेचने के अवसरों की तलाश में है। अब ऐसे में कंपनी के द्वारा ये जो नई डिवीजन खोली जा रही है वह केवल एक्सपोर्ट पर ही ध्यान केंद्रित करेगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और इसके लिए सीईओ रैंक्ड के ऑफिसर्स के अंडर में एक वर्टिकल को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि सीधे एचएएल के चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा। और एचएएल की नजर अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मिस्र और फिलीपींस सहित उन देशों को एक्सपोर्ट करने पर है जो कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए MK-1A और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स यानी कि ALH में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसे कई मौके सामने आए हैं जिसमें एचएएल के प्रोडक्ट्स ने ग्लोबल कस्टमर्स के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन फिर भी अभी तक एचएएल इन कस्टमर्स के इंटरेस्ट को ऑर्डर में नहीं बदल पाया है, और इसीलिए एचएएल के द्वारा बनाई जा रही रिस्ट्रक्चरिंग का उद्देश्य एड्रेस करना और नए मार्केट में पकड़ बनाना होगा। साथ ही ये निर्यात को भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि देखा जाए तो मौजूदा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में मार्केटिंग जो है वह एचएएल के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर आती है, जो कि कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऐसे में उनके लिए केवल एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं है। इसके अलावा एचएएल हाल ही में मलेशिया को 18 फाइटर जेट्स की आपूर्ति करने के लिए $920 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन इस साल की शुरुआत में कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एचएएल को पीछे छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं कि एलसीए तेजस कोरिया के FA-50 से कहीं मायनों में बेहतर था, लेकिन फिर भी एचएएल के हाथों से यह सौदा निकल गया, जो कि एक बहुत बड़े झटके की तरह था। लेकिन अब एचएएल की नजर भविष्य के ऑर्डर पर है, और एचएएल को उम्मीद है कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की आशा है, उन्हें कुछ इंपोर्टेंट ऑर्डर मिल सकते हैं। वही एचएएल के एलसीए तेजस MK-1A और ALH हेलीकॉप्टर्स दोनों के लिए अर्जेंटीना एक संभावित ग्राहक की तरह नजर आ रहा है। साथ ही नाइजीरिया और मिश्र दोनों देशों ने भी तेजस MK-1A में अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फिलीपींस भी एचएएल ध्रुव को खरीदने पर विचार कर रहा है, और अगर इन देशों के एयरक्राफ्ट की जरूरतों को समझा जाए तो नाइजीरिया को कम से कम 16 से लेकर 18 के नंबर में फाइटर जेट्स की जरूरत है। वही इजिप्ट की हम बात करें तो मिश्र ने 20 एयरक्राफ्ट की जरूरतों का अनुमान लगाया है, और फिलीपींस को भी 20 हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है। इसके अलावा अनेक साउथ अमेरिकन कंट्रीज को 15 नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। वही अगर एचएएल की हम बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वे कस्टमर कंट्रीज को एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक पैकेज को भी ऑफर करेंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट खरीदने वाले देशों में लोकल इंडस्ट्री इकोसिस्टम को विकसित करने में मदद की जाएगी, ताकि वे देश बेसिक रिपेयर्स और मेंटेनेंस कर सके। बाकी एचएएल की तरफ से ये जो नई बिजनेस डिवीजन खोली जा रही है, ये एचएएल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी, जो कि कंपनी के साथ साथ पूरे भारत के लिए फायदेमंद बात होगी। इसके अलावा भारत ने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है, और एक्सपर्ट का मानना है कि ये इंडिया काफी आसानी से इस चीज को, इस टारगेट को हासिल कर लेगा। देखिए, इस निर्यात को बढ़ावा देने का उद्देश्य भारत के वेपन्स और सिस्टम्स के स्वदेशीकरण पर जोर देना है, ताकि भारत डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बने। और अभी भारत 85 से अधिक देशों को मिलिट्री हार्डवेयर निर्यात करता है, जिसमें लगभग 100 डोमेस्टिक फर्म शामिल हैं। इन एक्सपोर्ट में मिसाइलें, आर्टिलरी रॉकेट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव गेट्स, वेरियस टाइप्स रडार्स और सर्विलांस सिस्टम्स के साथ साथ एमिशंस भी इसमें शामिल है। अब इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।